रामेश्वरम इलाके में झारखंड की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करके शव के 30 से ज्यादा टुकड़े किए गए हैं। बता दें आपको कि इसके बाद उस टुकड़े को फ्रिज में रखा गया। महिला झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड की 29 साल की महिला का शत विशत शव शनिवार को बेंगलुरु के व्याली कावल इलाके से एक फ्लैट के फ्रिज में मिला और शव को सबसे पहले मृतक के मकान मालिक ने देखा, जो दो दिन से पड़ोस में फैली दुर्गंध का उनको पता लग रहा था। जब वह फ्लैट में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। महिला की पहचान हेमंत दास की पत्नी महालक्ष्मी के रूप में हुई है, जो फ्लैट में अकेली रहती थी। बताया ये भी जा रहा है कि महिला का पति अपनी बेटी के साथ अलग रहता है। महिला एक मॉल में काम करती थी। तो बेंगलुरु से आपको ये खबर बता रहे हैं। बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि महिला के टुकड़े किए गए और फिर उसे फ्रिज में डाला गया। बता दें कि महिला की महालक्ष्मी के रूप में पहचान हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि उसका पति उसकी बेटी के साथ अलग रहता था और इस बात का पता उनके मकान मालिक को चला जब उनके फ्लैट से दुर्गंध फैली। उसके बाद मकान मालिक जब उनके फ्लैट में गए तो वहां पर एक बेहद ही चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जहां महिला के टुकड़े किए हुए थे और उस टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था। 12 सितंबर की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ